हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय अनदर वीडियो। आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कोई और भी है। आपका पार्टनर मेल है या फीमेल है, उनकी लाइफ में क्या कोई और भी है। तो व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, सभी के लिए है, सभी जोडियक साइन के लिए है। तो हो सकता है कि इस रीडिंग की कुछ बातें आपसे रेजोनेट करें, या हो सकता है कि पूरी रीडिंग ही आपसे रेजोनेट कर ले, या फिर हो सकता है कि कुछ भी रेजोनेट ना करे। तो डियर, जितना भी ये पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। रीडिंग जनरल है इसलिए पॉजिटिव होकर सुनिएगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखना है और पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को क्लेम करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चेक करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या कोई और भी पर्सन है। प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या कोई और भी पर्सन है। पहले मैं आपको आपके बारे में रिंग में बताऊंगी, अगर वो आपसे रेजोनेट करे तो फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकती हैं रीडिंग को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस लवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपका पार्टनर मे बी फीमेल है, और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये आपके पार्टनर की या आपकी जोडियक साइन हो सकते हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त कोई एंटर करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। यहाँ पर मुझे फीमेल फिगर दिख रहा है, ये मुझे मेल फिगर दिख रहा है। तो आपके पार्टनर अगर फीमेल है तो उनकी लाइफ में कोई मेल पर्सन, अनदर मेल पर्सन एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, और अगर वो मेल हैं तो भी कोई फीमेल एंट्री करने की कोशिश कर रही है। ये फीमेल एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकती है, और मेल जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। तो आपकी पर्सन अभी पूरी तरह से अपने वर्क पर फोकस्ड हैं। आपकी पार्टनर जो भी हैं वो पूरी तरह से अपने वर्क पर फोकस्ड हैं। उनको अपने आप पर ध्यान देना है, अपनी ग्रूमिंग करनी है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, स्टेबल बनाना है, और वो अभी किसी और पर ध्यान नहीं दे रही हैं या नहीं देना चाहते हैं या चाहती हैं। आप दोनों का प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों को एक दूसरे पर फेथ बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति को जोड़ कर रखती है। और देखिएगा, ये थर्ड पर्सन, जो तीसरा पर्सन आ रहा है या आ रही है, वो ये है जो आप दोनों के प्रेम को देख रहा है या देख रही है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो फीमेल पार्टनर है या मेल पार्टनर है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। इन्होंने अपने आसपास एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की हुई है, और ये किसी भी एरे गहरे को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देने वाली हैं या नहीं देने वाले हैं, बेशक कोई कितना भी आने की कोशिश करे, क्योंकि ये समझ चुकी हैं कि ज़िंदगी में हर कोई अपना नहीं हो सकता है। इसलिए इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अब खुद पर फोकस करने की
सोची है। टेम्परेंस, आपका पार्टनर अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत हद तक अलाइनमेंट में आ चुके हैं। इनका माइंड, इनकी बॉडी और इनकी सोल तीनों ही पूरी तरह से सिक्योरिटी में हैं। ये पर्सन जानते हैं कि दुनिया में कौन अपना है, कौन पराया है, और ये अपनी वर्क लाइफ पर और अपनी फैमिली लाइफ पर इक्वली वर्क कर रहे हैं या कर रही हैं, और ये नहीं चाहेंगी कि कोई भी इनकी हंसती खेलती ज़िंदगी में आकर आग लगा दे। चेक करते हैं इस डेक से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मैसेज दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ डेक, टेन ऑफ सोर्ड्स। आपकी पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, इन्होंने पास्ट में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं। धोखे इट मींस कि किसी ने इनके दिल के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया है, इनकी भावनाओं के साथ खेला है, इनका फ़ायदा उठाया है, और यही कारण है कि ये अब पूरी तरह से अपने आप को सिक्योर करके चलती हैं या चलते हैं। देखिएगा सेवन ऑफ वॉन्ट्स, तो ये खुद को गार्ड करके चल रही हैं। अब इनकी लाइफ में ऐसे ही कोई एंट्री नहीं ले पाएगा या ले पाएगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, ये बहुत मेहनत कर रही हैं अपने कल को सुधारने के लिए, क्योंकि पास्ट में जो गुजर चुका है अब वो ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज हम जो अच्छा करेंगे उससे हम अपना फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। तो इसी सोच के साथ आपकी पर्सन या आपके पर्सन अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, उनके जो भी स्किल्स हैं उनको और भी ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, और भी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। द डेविल, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, आपके लिए एक तरह से एडिक्शन है इनके मन में। देखिएगा किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत सारा पैसा अर्न करना चाहते हैं, एक स्टेबल और सिक्योर लाइफ चाहते हैं। नाइन ऑफ कप्स, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, तो ये पर्सन किसी और की ओर जा ही नहीं सकते हैं। जब आप दोनों में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, आप दोनों का फ्रेंडशिप बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो ये कहीं और जा ही नहीं सकते हैं। चेक कर लेती हूँ मैं, आपके पार्टनर आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके, वो आपसे क्या बोलना चाहती हैं या चाहते हैं। एक कार्ड आ चुका है, थैंक यू। वो आपसे क्या कहना चाहती हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आई वॉन्ट टू बी द रीज़न फॉर योर टूडेज फर्स्ट स्माइल, आपकी फर्स्ट स्माइल का कारण बनना चाहते हैं। यू होल्ड द की ऑफ माई हार्ट, सॉन्ग है जाने जहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ, ढूंढिए कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट है आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू एंड बिलीव मी आई ट्राई समटाइम्स। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा बुलाने की कोशिश करते हैं बट नो, नहीं बुला पाते हैं। यू आर माई रॉक, माई इंस्पिरेशन एंड माई लाइफ कोच, आप उनकी लाइफ की कोच हो। आई लव दैट वी विल ग्रो ओल्ड टुगेदर, वो चाहते हैं आपके साथ ओल्ड होना, अपने बालों को सफ़ेद करना, उम्र के पड़ाव आपके साथ तय करना। I only want two things in this world. I want you and I want us. Okay, I love cuddling with you. तो फ्रेंड्स, ये हैं आपके पर्सन के मैसेजेस। आई होप कि आपने रीडिंग को इन्जॉय किया, रीडिंग में आपको आंसर्स मिले। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। Thank you so much for watching.